एसबीआई एटीएम से एक चोरी का मामला सामने आया है। जी हां, आपको बता दें कि चोर को ये चोरी करनी महंगी पड़ी है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला। पौंटा साहिब में वीरवार रात शातिर चोरों द्वारा मुख्य बाजार में गीता भवन मंदिर के समीप एसबीआई बैंक की एटीएम मशीन को तोड़कर नकदी उड़ा ले गए थे, जिसके आसपास के दुकानदारों और लोगों को कोई भनक तक नहीं लगी थी। वहीं शुक्रवार सिक्योरिटी गार्ड ने यह घटना देखकर बिना समय गवाए पुलिस का मौके पर पहुंचना हुआ, जिस दौरान पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाली और पूरी तरह छानबीन की। वहीं स्थानीय समाज सेविक अजय ने बताया कि चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई थी। दुकानदारों ने सभी वीडियो शेयर कर पुलिस की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया। वहीं चोर शनिवार पौंटा साहिब के मुख्य बाजार में अंगूर खाते हुए नजर आया। दुकानदारों ने तुरंत चोर को पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। मामले की पुष्टि करते हुए डीएसपी वीर बहादुर ने बताया कि शातिर चोर को पकड़ लिया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एसबीआई एटीएम से एक चोरी का मामला सामने आया है। जी हां, आपको बता दें कि चोर को ये चोरी करनी महंगी पड़ी है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला। पौंटा साहिब में वीरवार रात शातिर चोरों द्वारा मुख्य बाजार में गीता भवन मंदिर के समीप एसबीआई बैंक की एटीएम मशीन को तोड़कर नकदी उड़ा ले गए थे, जिसके आसपास के दुकानदारों और लोगों को कोई भनक तक नहीं लगी थी। वहीं शुक्रवार सिक्योरिटी गार्ड ने यह घटना देखकर बिना समय गवाए पुलिस का मौके पर पहुंचना हुआ, जिस दौरान पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाली और पूरी तरह छानबीन की। वहीं स्थानीय समाज सेविक अजय ने बताया कि चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई थी। दुकानदारों ने सभी वीडियो शेयर कर पुलिस की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया। वहीं चोर शनिवार पौंटा साहिब के मुख्य बाजार में अंगूर खाते हुए नजर आया। दुकानदारों ने तुरंत चोर को पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। मामले की पुष्टि करते हुए डीएसपी वीर बहादुर ने बताया कि शातिर चोर को पकड़ लिया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।